हेलो डियर स्टूडेंट्स, और वंस अगेन आप सभी का वेलकम है। हम क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ रहे हैं और इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है वो पढ़ रहे थे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनफाइनाइट सर्किट। देखिए, कई बार आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसमें जो सर्किट है एंडलेस है, वो खत्म ही नहीं हो रहा है। एंडलेस सर्किट उसको इनफाइनाइट सर्किट कहते हैं और उसका आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है। तो उस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे डील करते हैं तो उसको आज सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ बोर्ड में लिखा हुआ है और यहाँ पर एक ऐसा एक सर्किट दिया हुआ है। ये 1 ओम 2 ओम, 1 ओम 2 ओम, 1 ओम 2 ओम, और ये चलता जा रहा कहाँ तक, अप टू इन्फिनिटी तक। तो ऐसे सर्किट का आपको निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अब कैसे निकालें ऐसे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, देखिए हम क्या करते हैं। यहाँ पे आपको ये चेक करना है क्या यहाँ पे रिपीटिंग रेजिस्टेंस है, पैटर्न ऑफ सर्किट है क्या जो रिपीट हो रहा है। तो हम देख रहे हैं 1 और 2 1 और 2 1 और 2, तो ये जो 1 और 2 का जो कॉम्बिनेशन है ये हमारे लिए क्या है, एक रिपीटिंग सर्किट है या नेटवर्क का एक पार्ट है जो रिपीट हो रहा है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं ये इसका एक यूनिट है इसका, और यही रिपीट होते होते इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो यदि अगर हम यहां से इसको कट कर दें, ठीक है, तो ये देखिए 1 2 1 2, ये भी वही है, ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है। अगर इस पूरे टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं, लेट से इट इज एक्स, ठीक है, लेट, तो हम मान लेते हैं कि पूरे सर्किट का जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है एक्स, ठीक है। अब अगर अगर हमने यहां से कट कर दिया और इसमें से ये दो रेजिस्टेंस केवल हमने अलग कर दिया, ठीक है, एक्चुअली हमें रेजिस्टेंस किस पॉइंट के अक्रॉस निकालना है, ए और बी के अक्रॉस निकालना है। तो अगर हमने ये दो पॉइंट को अलग कर दिया, ये कट कर दिया, और ये दो रेजिस्टेंस अगर अलग भी हो जाएंगे तो यहाँ से लेके जो भी सर्किट बनेगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका भी एक्स ही होगा। क्योंकि इन्फाइनाइट में से अगर आपने दो 1 और 2 ओम अलग कर देंगे तो उसमें सर्किट में फर्क नहीं आएगा क्योंकि इन्फाइनाइट सर्किट है। तो यहाँ से यहाँ का जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो भी एक्स होगा। तो हम क्या करें, ये पूरा सर्किट को यहां से हम पूरा रिप्लेस करेंगे एक रेजिस्टेंस से और जिसकी वैल्यू होगी एक्स। तो देखिए, अब ये जो पूरा सर्किट है उसको हमने हटा दिया और उसकी जगह एक रेजिस्टेंस लगाएंगे जो कि यहां पैरेलली लगेगा, क्योंकि यहीं से हमने पैरेलली काटा था। तो यहां पर एक पैरेलल एक रेजिस्टेंस आप लगा देंगे और इसकी वैल्यू है एक्स। आई बात समझ में? तो अब देखिए, अब हमें इस x की वैल्यू निकालना है और ये अब आपको सर्किट छोटा हो गया है, इसका इक्विवेलेंट पहले आप निकालेंगे, उसी से x की वैल्यू भी आ जाएगी। अब देखिए कैसे आएगी, ये जो है x और ये 2, ये पैरेलल रेजिस्टेंस है, इनका इक्विवेलेंट क्या होगा, तो इनका इक्विवेलेंट लेट से 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 + 1/x, और इट विल बी इक्वल टू x + 2/2x, और इसका उल्टा कर देंगे तो R equivalent is equal to 2x/(x+2)। तो ये इन दोनों का इक्विवेलेंट है ये। तो अब हम क्या करें, इन दोनों को रेजिस्टेंस को हटा दें, अब केवल एक ही रेजिस्टेंस यहाँ रह जाएगा और जिसकी वैल्यू होगी 2x/(x+2)। तो इसको लिख देते हैं 2x/(x+2)। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए, ये 1 ओम और ये वाला रेजिस्टेंस सीरीज में है और ए बी के अक्रॉस इन दोनों को सीरीज में जोड़ देंगे तो आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे 1 + 2x/(x+2) इज इक्वल टू, अब इक्वल टू क्या होगा, देखिए इज इक्वल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपॉन ए बी, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी है और इसके अक्रॉस हमने कितना मान के चला है, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट इज एक्स। तो इसका मतलब है इसको आपको एक्स से इक्वेट करना पड़ेगा और इससे आपको एक इक्वेशन मिलेगा एक्स के फॉर्म में। आई बात समझ में? अब देखिए हम क्या करें, हम 1 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2x/(x+2) विल बी इक्वल टू x-1। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को तो x+2 × x-1, और ये 2x इधर रहेगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो ये हो गया x²+(x-2)=2x। अब इसके बाद 2x को अगर हम यहाँ ला दें लेफ्ट हैंड साइड में तो देखिए क्या हो जाएगा, x²−x-2=0। अब ये देखिए क्या मिला आपको, एक एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है। अब इसको आपको सॉल्व करके केवल x की वैल्यू निकालनी है, तो आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। किस तरीके से,
माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। इस तरीके से इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं। अब x कॉमन निकल जाएगा इन दोनों में से, तो यहाँ बचा x माइनस टू और यहाँ सिंपली x माइनस टू पहले से ही है। अब देखिए x माइनस टू कॉमन निकाल लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा, x माइनस टू हमने निकाल लिया तो यहाँ x और यहाँ 1 मिलेगा, तो x प्लस 1 इक्वल टू हो गया 0। अब x माइनस टू इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू आती है 2 ओम, और x प्लस 1 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी माइनस 1 ओम। ठीक है, अब देखिए ये x क्या है, x है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मिनिमम 0 हो सकता है, 0 से कम नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम ये वाली वैल्यू निगलेक्ट करते हैं और x की ये वाली वैल्यू लेंगे। तो जो हमारे को गिवन सर्किट था वो इनफाइनाइट सर्किट था, लेकिन उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है देखिए इनफाइनाइट नहीं है, ये है 2 ओम। अब ये देखिए एक और क्वेश्चन है इनफाइनाइट सर्किट का, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 ओम के सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और यहाँ पे रिपीटिंग यूनिट कौन सा है, देखिए 1 1 1 1 1 1 1 फिर 1 1 1 1, ये रिपीट होता जाएगा। तो यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है, ये 1 ओम, ये 1 ओम और ये 1 ओम, ये हम इसको रिपीटिंग यूनिट मानेंगे, यही रिपीट हो रहा है बार बार, 3 3 का ये रिपीटेशन है। तो इसका हमको निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले तो हम मान लेंगे कि इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है लेट से एक्स। ठीक है, तो हमने इसको मान लिया कि टोटल रेजिस्टेंस जो है वो एक्स है। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये एक यूनिट को हम यहाँ से अलग कर देंगे और यहाँ से कट कर देंगे, तो ये जो पूरा सर्किट है इसका भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, ये भी एक्स ही होगा। तो अब इस पूरे के जगह हम एक रेजिस्टेंस लगा देंगे एक्स पैरेलल टू 1 ओम। तो देखिए अब हमने इसको मिटा दिया, अब यहाँ पे आपको केवल एक रेजिस्टेंस लगाना है इस पॉइंट पे और जिसकी वैल्यू होगी x। अब यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये देखिए ये 1 और ये x ये पैरेलल में है, तो पहले हम इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, 1/1 + 1/x और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x और इसका उल्टा कर देंगे तो इन दोनों का हो गया x/x+1। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है इसकी ये वैल्यू आ रही, तो हम क्या करते हैं इसके जगह दोनों को हटा के केवल एक रेजिस्टेंस अब यहाँ रहेगा और उसकी जो वैल्यू है ये होगी x/x+1। ठीक है, आया समझ में। अब देखिए ये 1 ओम और ये वाला रेजिस्टेंस और ये फिर 1 ओम, ये तीनों सीरीज में है, तो यहाँ हमें सीरीज कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो तीनों का हम सम करेंगे, तो अब टोटल जो है रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट है पूरे सर्किट का, इट इज सम ऑफ ऑल दिस। तो मतलब 1 + 1 + x/x+1 विल बी इक्वल टू x। ये जो टोटल सम किसके बराबर होगा, जो सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है और इसको हमने x माना है, तो ये इसके बराबर होगा। तो देखिए अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो पहले 1 + 1 तो सिंपली हो गया 2 + x/x+1 = x। ये 2 को आप RHS में ले जाएंगे तो x/x+1 = x - 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा ये x - 2 फिर x+1 और इधर बचा केवल x। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा x²-x - 2 = x। अब इस x को भी आप इधर ले आएंगे तो ये क्या हो गया x²-2x - 2 = 0। तो देखिए अब ये मिल गया आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज x = -b। यहाँ पे b कितना है, -2 है, तो -± हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, फिर ±√b² यानी -2 का स्क्वायर, और -2 का स्क्वायर होता है 4, -4ac, तो a1 है, c-2 है, ये -2 होल डिवाइडेड बाय 2a यानी 2 × 1, तो कितना हो गया, ये इधर से है x = 2 + −√, ये 4 + 4 = 8 हो गया, −± हो जाएगा तो 4 + 8 हो गया 12/2 और x will be equal to
टू प्लस माइनस, देखिए रूट ट्वेल्व को आप फैक्टराइज करेंगे तो इसमें से टू बाहर निकल आएगा और रूट के अंदर थ्री रहेगा डिवाइडेड बाय टू। अब फिर इसमें से टू कॉमन निकल जाएगा, ये टू टू कट जाएगा तो वन प्लस माइनस अंडर रूट थ्री बचेगा। तो आप दो वैल्यू आपको मिल गई एक्स की, एक मिलेगा वन प्लस रूट थ्री और दूसरा मिलेगा एक्स इज इक्वल टू वन माइनस रूट थ्री, ठीक है, जिसमें से हम ये वैल्यू नेगलेक्ट कर देंगे। क्यों कर देंगे? देखिए रूट थ्री की वैल्यू होती है 1.73 और 1 माइनस 1.73 नेगेटिव हो जाएगा और रेजिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो इसका सही आंसर होगा 1 प्लस रूट थ्री, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया। तो इसी तरह से आपको जो इन्फाइनाइट सर्किट है आपको रिपीटिंग पैटर्न समझना है और उसमें से जो फर्स्ट पैटर्न है उसको आइसोलेट करके उसके उसके बाद जो सारा सर्किट है उसके जगह एक रेजिस्टेंस लगा देंगे जिसकी वैल्यू उतनी ही होगी जो टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस की वैल्यू है, और इस तरह से आप एक इक्वेशन फॉर्म करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं।